Hello guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan and this is Sahil. So today we are going to watch Aurat March or Confused Feminism. Awesome speaks. Khujli family का video है, काफी लोग request कर रहे हैं इसके लिए हर channel पे हमारे. हाँ, और last video में हमने पाकिस्तान की कुछ बहादुर सी ladies girls के बारे में, woman empowerment के बारे में बात की है. वो the white side का video था. और अब एक और वीडियो आ गया है गर्ल्स पे, उसी वीडियो से रिलेटेड है. ये भी औरत मार्च पे ही है. वो वुमेंस डे पे था. और उसमें कुछ मतलब ऐसी फील्ड्स के बारे में बताया था जिसमें वुमेंस जो है पाकिस्तान की वो नाम कमा रही है. तो अब ये देखते हैं यार, औरत मार्च, ये अभी काफ़ी इस पर सना का वीडियो भी आया है एक, बट इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा थी तो इसलिए हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं. तो शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग. दिल थाम के बैठो राजा जी, क्योंकि औरतें सड़कों से निकल के औरत राज लाना चाह रही हैं. औरत जात के इस मार्च पे हम बात तो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये वीडियो तुम आधी देख के मेरे मुंह पे लाना थे कबीरा स्कैन करवा के सब्सक्राइब करके चले जाओ. लाना थे कबीरा. ये फेमिनिज्म का दो मुंह वाला कीड़ा आखिर करता क्या है, आज इस बात का हम बड़ी तसल्ली से जायजा लेंगे. वैसे तो इस औरत जात मार्च में हजारों लड़कियां बोर्ड्स लेके निकली, लेकिन हमें सिर्फ वही बोर्ड्स दिखे जिसमें यक्की की मकदार थोड़ी ज्यादा थी. कुछ अच्छी भी थी, लेकिन उनको हम पोंका बोल के आगे चले गए. जैसे बच्ची को बच्ची रहने दो, दुल्हन ना बनाओ. बच्ची बालिग हुई नहीं होती तो किसी अमीर गंजे बाबे के साथ ब्याह दी जाती है. चाइल्ड मैरिज जिसके खिलाफ बोलना बहुत अच्छी बात है. आओ खाना साथ बनाए, ऐसा बोलोगी तो ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ आता है. लेकिन अगर तुम बोलोगी कि खाना खुद गर्म करो, तो ये बता दूं कि कुछ मर्दों का ईगो राबिया के डैड से ज्यादा मुलायम है. अगर उसको ठेस पहुंच गई तो ये अपनी जलती हुई पिट्ठी पे खुद मरहम नहीं लगा सकते. फ्रेजाइल मेल ईगो पे जरा बाद में आते, लेकिन किसी बंदी ने सच कहा है कि विदाउट हरमायनी हैरी वुड हैव डाइड इन बुक वन. मर्द और औरत को जोड़ी में पैदा किया, तो कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती हो. दोनों चीजें मिल जाती है तब जिंदगी की गाड़ी चलती है. इक्वल राइट्स के लिए बोलो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं कि यार ये सारे मर्द हम औरतों के नीचे होंगे. दीज ऑल मेन विल गो डाउन ऑन मी. गलत है. डाउन ऑन मी सबसे कुछ ऐसे बोर्ड्स जो सिस्टम को जेन्युइन एलिगेशंस लगा रहे थे वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे. जैसे कि ये माय पीरियड इज नॉट अ लग्जरी, स्टॉप टैक्सिंग अवर पैड्स. ये नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस पे बहुत ज्यादा कम टैक्स है या बिल्कुल है ही नहीं. लेकिन हमारी सरकार तो दूसरे के खून पसीने से खाना बहुत अच्छी तरह से जानती है. सैनिटरी पैड्स पे बात कर ली, अब मैं बुरा आदमी हो गया. ये बोर्ड देख के वो कीबोर्ड जहाँ थी तो हिल ही गए होंगे जो रात को मियां खलीफा देख के लाते हैं. प्रॉब्लम को ही टैबू समझ के उसमें बात नहीं की जाएगी तो वो हल कैसे होगा. लोगों के रेंडी रोने तब खत्म होंगे जब उनके रोले खत्म होंगे. तो इनकी कोई सुनो तो सही, क्यों हम लड़कों को अपने से चार साल बड़ा कोई गली का हरामी बच्चा फोन दिखा के बताता है कि भाई देख ले तगड़ तगड़ जिगी जिगी ऐसे होता है. पेरेंट्स क्यों नहीं अपने बच्चे को ये एजुकेशन देते कि देखो बेटा ये वाला टच ओके है, ये वाला टच ओके नहीं है. जब कोई आपको इधर टच करे आपने हमें आके बताना है. और इस वजह से कितने बच्चे चाइल्ड मोलेस्टेशन से बच जाएंगे, जिनके साथ अभी भी कुछ होता है तो वो चुप करके बैठ जाते हैं. और जैसे वो बालिग होने लगे तो उसको बता देना चाहिए विद प्रॉपर एजुकेशन के भाई ये चीज ऐसे होती है, यू आर सपोज टू डू इट दिस वे नॉट दैट वे. कितने ही लड़के प्रोस्टिट्यूशन में घुस के अपने आप को बीमारियां दे चुके हैं, इवन मर भी चुके हैं, लेकिन लड़के बताता नहीं. किस तरह पोर्न आपके दिमाग को पोल्यूट कर रही है, किस तरह पोर्न एडिक्शन शादियां खराब कर रही है, जोड़े तबाह कर रही है, घर बर्बाद कर रही है, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट देम बिकॉज़ इट्स अ बिग फकिंग टैबू. इस कदर मगज में गूदा भर लिया होता है कि लड़की अगर थोड़ा सा फ्री करा ले तो ये लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते के उसकी तस्वीर लेके लड़कियों को इनबॉक्स में फेंक देते हैं. फिर अगर वो बोले कि अपने डिक पिक्स अपने पास रखो तो हमारे नाजुक से मेलिगो की मैया रुल जाती है. क्योंकि भाई डिक पिक्स जैसे अल्फाज लड़कियों के मुंह से अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनको भेजना अच्छा लगता है. ऐसे ही रेंडमली लड़कियों के इनबॉक्स में अपना शेरू भेजने वाले लोगों से मेरी यही दरखास्त है कि भाई देखो अपने मजाक को इस तरह दिखा के अपना मजाक मत बनाओ. ऐसी लड़की इंप्रेस नहीं हो जाती यार, ऐसी चीजें तुम अपने मुंह में रखा करो. लेकिन हर दफा ये सिनेरियो सच नहीं होता. कभी कभी छोटा चेतन का दीदार ही तब कराया जाता है जब आगे से गीता बबीता के भी दर्शन कराए जा रहे होते हैं. लेकिन ये गलत ना पालना
सेकंड लड़का तुम्हारी फोटोज देख के डिलीट कर देगा, फिर ना कहना इतना लाइफ खराब हो गया। अब जिस तरह एक गंदी बच्ची पूरे तालाब को खराब कर देती, उसी तरह कुछ गार्ड्स ने इस पूरे मार्च का मकसद ही तबाह कर दिया। अपना टाइम आएगा, मिडिल फिंगर और दूसरे हाथ में सिगरेट। देखो नॉर्मल लड़कियां चाह रही होती है कि वो चांद का टोटा बने, इस तरह के लड़के चाह रही होती है कि वो गंदी फिल्म का टोटा बने। मिडिल फिंगर और सुट्टे फूंकने का मकसद आजादी नहीं होता भाई, आवाज ही होता है। एक तो ये सुट्टे फूंकने का आजादी से रिलेशन किस बहन की लकड़ी ने किया आज तक मुझे समझ नहीं आया। सुट्टा तो खुसरे के फेफड़ों को भी फारिग कर देगा यार, वो तो जेंडर नहीं देखता, उसका मकसद है तबाही। तो मेल हो या फीमेल, स्मोकिंग विल मान लिया कि तुम कहती हो कि जो चीजें लड़कों को करने दी जा रही है वो तुम्हें भी करने दी जाए, तो लड़का अगर गलत काम कर रहा है तो वो तुम्हें भी करने देना चाहिए। लोटे तो नाड़ा ढीला करके सड़क पे सूसू भी कर लेते हैं यार, ऐसी लड़कों को सिंपल सी बात है भाई, पार्टी पार्टी भूस भूस चाहिए। अंकल जी समझाओ इनको, मतलब क्या लगा रखा है। आजादी का जो एक ताल्लुक पैदा किया गया है, ये 50s के जमाने में सिगरेट्स के एड्स आते थे। But for filter and taste, Kent satisfies best. I'll accept that. I'll accept that. All your senses alert, including your sense of taste. Kent, your taste buds become clear and alive. जिसमें औरत जात को सिगरेट पेश किया जाता था और उसे मैनिपुलेट किया जाता था कि अगर तुम सिगरेट लगा रही हो तो तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, बेशक डब्बी तुम अपने अब्बू के पैसों से ले रही हो लेकिन तुम इंडिपेंडेंट वुमन हो। और इसी तरह ये सिगरेट की सेल बढ़ गई और ये फायदा किसको हुआ, ये ऊपर बैठे हुए किसी बिजनेस टाइकून को। और इधर अपनी इंडिपेंडेंट बंदियां खुश, नजर तुम्हारी गंदी और पर्दा मैं करूं। अब ये जो बात है ना बीबी, ये जरा सी 50-50 है। हाँ। देखो कुछ इलाके होते हैं जहाँ के मर्दों को ना वेज पसंद होता है ना नॉन वेज पसंद होता है, उनको सिर्फ क्लीवेज पसंद होता है। हाँ। अब अगर तुम गवाल मंडी जाके अपने दो अनमोल रतन को शो ऑफ करने वाले कपड़े पहनोगी तो वहाँ पे खड़े हुए बाबों के मुंह पुराने मोजे की मानद क्यों नहीं फटेंगे, और वो तो फिर अपनी ट्राइयां मारेंगे। या तो फिर चार भी कराओ, सुधर भी खोल लो, उनको फ्री की एजुकेशन दे दो, उनको एकदम योलो सा बना लो, या फिर तुम खुद दुबई चली जाओ और बीच पे जाके बिकनी शिकनी पहन लो, कोई भी नहीं देखेगा। तो इसलिए अपनी मोडेस्टी को थोड़ा सा तुम ढकने की कोशिश करो, थोड़ा सा हम मोडेस्ट होने की कोशिश करते हैं। पहले तो खुदा उसकी मगफरत फरमाए, बट शी वाज नेवर वर्किंग फॉर द वुमन एम्पावरमेंट, शी वाज जस्ट अ गर्ल हु वाज वर्किंग फॉर हर करियर, सो स्टॉप सिंबलाइजिंग हर द वुमन वुमन। और अकेले आवारा को आजाद नहीं भाई, दरबदर और बर्बाद कहते हैं। सड़कों में माँ बहन एक और, ये इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मर्दों की माँ बहन एक करने पर तो न तुल जाओ। जैसे इस बंदी ने अपने सगे भाई का सर ओवन में रख के गर्म करने की कोशिश की है। फेमिनिज्म इन ऑल दिस मर्दों से हेट प्रमोट करने की मूवमेंट तो नहीं है, ये रिबेलियन का जज्बा अगर पैदा करते जाओगे तो जिंदगी में आगे जाके कभी सुकून नहीं आएगा। अब वो जो बाहर की लड़कियां उनको तो वैसे सारी आजादी है, तो अब वो लगी हुई है सेनो टू ब्रा डे, फ्री था चूचिया डे, पब्लिक में जिगी जिगी लीगल करो, अलिफ नंगा घूमने दो। इसलिए जरा ब्रेक मारो, अंडरस्टैंडिंग के साथ सोल्यूशन की तरफ जाओ, अपना विजन क्लियर करो। आपने नोट किया कि सारी औरत मार्च में सिर्फ DHA की आंटियां हैं, मतलब क्यों, कोई दादू की औरतें नहीं है, जैकबाद की औरतें नहीं है, क्योंकि उनको तो औरत मार्च का कुछ पता ही नहीं है भाई। पहले उनको तो एजुकेट करो कि हुकूक होते क्या है, उनको तो पता ही नहीं। तो जनरली है, ऐसा नहीं कि है नहीं, अक्सर ये बड़े बड़े शहर वालों को लगता है कि भाई अगर लाहौर कराची इस्लामाबाद में बारिश हो रही है तो पूरे पाकिस्तान का मौसम अच्छा है। उससे बाहर आकर देखोगे तो ये खासतौर पे मसले छोटे शहरों में होते हैं। और यही मजा है कि आई सपोर्ट औरत मार्च, पर ये औरत मार्च का लॉलीपॉप देके अपनी पार्टी पार्टी का सीन ऑन मत करो। होप दिस वीडियो ऑफेंड्स नो वन, और अगर आप नए हो तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब 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 की वजह से मुझे नहीं लगता किसी को ऑफेंड होने की जरूरत है इस वीडियो पे। इवन अगर समझदार कोई वुमन्स होगी वो भी ऑफेंड नहीं होगी, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, और वीडियो बहुत बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सही बात की इन्होंने ओवरऑल पूरा वीडियो में कि कुछ वुमन्स होती हैं। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है पता है, मतलब 775 औरतें हैं जिनको ये नहीं लगाए। इसका मतलब ये होता है कि मतलब वुमन और मैन को इक्वल समझा जाए, बट यहाँ पर ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को मैन से भी ऊपर समझ नहीं ले जाना चाह रही है। ये वो चाहते हैं कि जो मर्दों को जो आज़ादी मिली है उल्टे कामों की, वो आज़ादी मिलती नहीं है, वो उल्टे कामों खुद करते हैं, आप उसे आज़ादी मत समझो, उसे बिगड़ना बोलते हैं। कुछ लड़कियां ये समझ रही है कि वो आज़ादी है, वो आज़ादी नहीं है, वो लड़के बिगड़ चुके हैं, तो आप भी उनकी तरह बिगड़ना चाह रहे हो, तो ये गलत है ना। गलत,
ये नहीं होना चाहिए। मतलब स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये वुमन एम्पावरमेंट लेट नाइट पार्टीज नहीं है। लड़के के घर वाले भी मना करते हैं, हम लड़के हैं हमें पता है, लड़के के घर वाले भी मना करते हैं, बट लड़के क्या है, बिगड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उल्टे काम होता है, कुछ करते हैं फिर बोलते हैं तुमने सुधारा नहीं, तुम्हारी गलती, घर में झगड़ा होता है, यही होता है। लड़के भी बिगड़े होते हैं, उसे आज़ादी नहीं बोलते, आज़ादी नहीं है वो बिगड़ना बोलते हैं यार। बहुत सही बात है, लेकिन वो कुछ बातें जो वुमन्स ने डाली है वो सच में ऑफेंसिव लगी है। मतलब कि यार वो अपने आप को मतलब इस लेवल पे ले जा रही हैं कि मतलब उनके घर मतलब लड़का शादी करके उनके घर जाए। ये वाला तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, जो फिंगर वाला था वो तो मुझे भी पसंद नहीं आया। कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं इस बारे में। Not only a great roaster, but a very sensible person. This guy is something special. Mohammad Sheryar ne likha ye. Seher Shiraz, you are not only creative and hilarious, you are intelligent, excellent, observed too impressive. यहाँ पर राजा शामा भाई की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। Help umma. One day we will die, but why not prepare for it? सही बात है, हम सब मरने वाले हैं, लेकिन हमने तैयारी क्या की है? वेरी तुबा फातिमा ने लिखा है, वेरी ट्रू, आई एम अ गर्ल एंड आई अग्री विद योर वॉइस, लव यू सामू भाई। तो यार समझदार गर्ल्स बहुत सारी अग्री कर रही हैं यार। ये कभी कभी ना मेरे माइंड में ऐसा ख्याल आ ही जाता है कि ये ये मतलब वो इसराइली लोगों का ही ये प्रोपोगंडा है। लेकिन यार इतना ज़्यादा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है यार, पाकिस्तान पे फुल इस्लामिक स्टेट है और वो इजरायली प्रोडक्ट से इजरायली कभी कभी मेरे को हकीकत टीवी की बात सही भी लगने लगती है, क्योंकि वो बताते जिस तरह से ना कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं। हकीकत टीवी के से वीडियो पर रिएक्शन दें, औरत मार्च के उनका भी आया ही होगा, आई थिंक आया होगा उनका। आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर आया हो तो प्लीज़ बताना, हम उसमें शेयर करना। बट ओवरऑल ये इन्होंने जो कहा है एक एक बात सही कही इन्होंने। हालांकि ये ज़रूर है कि इन्होंने इसका कनेक्शन जो है इल्यूमिनाटी से नहीं जोड़ा है, बट इन्होंने एक एक बात सही करी। और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है। हर यूट्यूबर आज का ये मतलब ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग कर रहा है ये पॉइंट, औरत मार्च ऐसा कुछ करके। तो हाँ, हम इस पर और डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो कोई वीडियो अगर आप सजेस्ट करना चाहो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।